कितना पछता रहे होंगे और किस तरह से उनको कन्विंस करके उनके राजनीति हत्या की गई है, उनके पिता के विरासत को मिटाने की राजनीति की जा रही है। और कहीं ना कहीं पासवान राजनीति पूरे नेशनल में, पूरे भारत में हाशिए पे चला जाए, इसलिए चिराग पासवान को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं पहल कर लेते आप ही लोग कि चिराग पासवान आपके साथ आ जाते और आप मजबूत होंगे? अभी जो समीकरण है बिहार की राजनीति की, वो बोझा उपचुनाव के बाद निश्चित रूप से हमारे नेता सनक मल्ला मुकेश सहनी जी ने कहा है कि बंगाल के तरह बिहार में भी खेला होगा। अच्छा, चिराग पासवान के और मुकेश सहनी के साथे साथ ना आ जाए के चल रही तो मैंने बुलाई तब न बुलाई मैंने साथे साथ देखना चाहते हैं यहाँ जिस तरह से अजय निषाद जी ने बीजेपी को गुमराह किया है, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ कि दम है तो इस चुनाव को अजय निषाद भरते मुकेश सहनी कर दे, अगर बेबी कुमारी की जमान अपना जब्त हो जाए तो फिर कर देना। दम है बीजेपी वालों को, तो कितनी भयभीत है बीजेपी वाले इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक को एक पंचायत का प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है, ये सनफ मल्ला मुकेश सहनी जी का डर है। डर है या उसकी संख्या? नहीं, ये डर है। अच्छा, ये डर है, ये संख्या, क्योंकि ऐसा हाथी के कर रही है। हाथी के पीछे किसकी झुंड चलती है? जब हाथी रास्ते पे चलता है तो झुंड भोंकने वाले की होती है, हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है, तो ये डर है। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो अजय निषाद पहले मुकेश सहनी को चुनौती दे रहे थे अब ग्राउंड पर उतार दे बीजेपी? ग्राउंड पर क्या उतार दे, अजय निषाद में अगर दम है या बीजेपी में दम है तो इस चुनाव को अजय निषाद वर्सेस मुकेश सहनी कर दिस्टर्ब हो रहा है, और उसके बाद देख लीजिए अगर उनके उम्मीदवार की जमानत में दम हो जाए तो फिर आप। हाँ, अभी जो आप बोल रहे हैं चिराग पासवान को बुलाने के लिए, अभी जो ये उपचुनाव समाप्त होगा, ठीक है ना, देखिए आज चिराग पासवान को सजा क्या मिला है? दलित होने की सजा मिला है। मुकेश सहनी को ये सजा क्यों मिला है? और फिर पिछड़ा समाज को होने की सजा मिला है, पिछड़ा का आवाज उठाने के लिए उनको सजा मिला है। इसलिए एकदम एक होंगे दलित और महादलित पिछड़ा समाज के बाद 2024 से पहले एकजुट होकर जो भाजपा है बड़का झूठा पार्टी इसको सबक सिखाएंगे। अच्छा, इसमें अगर तेजस्वी को जोड़ लिया जाए तो एनडीए को चुनौती देने के लिए या एनडीए को पटखनी देने के लिए और मजबूती मिल सकता है बिहार में? एकदम जी जरूर। तो आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी, देखो तीनों युवा नेता है, आप भी युवा हम भी युवा, तीनों युवा नेता मुकेश सहनी चिराग पासवान तेजस्वी, ये तीनों एक साथ नहीं आ जाए ऐसा पहल करना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं हो? हाँ, तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो इसको चार नंबर में चल जाना है। मतलब ये है कि पटना में रहना जरूरी है, आगे वाले में आएंगे आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 100% बनेंगे। ये दोनों साथ आएंगे तब ना चिराग जी या मुकेश जी यदि आ जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 245 सीट आएगा। बताइए, युवा की उल्टा कीजिए तो वायु बनता है, ठीक है ना? तीनों के तीनों युवा जिस दिन एक साथ आ जाएंगे ना और कहा गया है कि कोयला ठंडा हो या गर्म हो, वो ठंडा हो तो हाथ काला कर देगा और गर्म हो तो गला करेगा, यही काम बीजेपी वाला करता है। अच्छा, समझे? कोयला जी या गर्म रहेगा तो जला देगा, ठंडा हो तो काला कर देगा, जली पुत देगा। बिल्कुल। हाँ, कौन जन कौन बुला रहे थे? अच्छा, देखिए हिल कहाँ पे है? अच्छा, पढ़ लिख के फेल कहाँ पढ़े कहाँ लिखे कि फेल हो गए? पढ़ गए सर। हाँ सर, सुनो सर, करो सर, नौ डिशी पिलिंग ऑल इंडिया टू पदौली लाल टू जात पर मैं बाप पर बच्चों ने वाले लिस्ट पर पदौली लाल के बाप पर वही नाव छाप पर वही नाव छाप पर बटन दबाने के बाद डॉक्टर गीता कुमारी के चार लंबे बटन दबा के जिताने के बाद प्रणाम सर छाप के बाद मुकेश सहनी का एक बार सुनो सर, जात पर मैं बाप पर वही गांव समाज के बाप पर वही चार लंबे छाप पर वही चार लंबे छाप पर बटन दबाने के बाद भाई गीता देवी के जिताने का प्रणाम सर। आइए प्रणाम सर। तेजस्वी
चिराग पासवान और मुकेश सहनी तीनों आदमी एक साथ आएगा उसी समय बीजेपी यहाँ से भागेगा। अच्छा, और यहाँ के बोचहा उपचुनाव के बात रह गया तो यहाँ से तब बीजेपी जितने जा नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी एक को काम किया है जो जितना पार्टी है क्षेत्रीय उनको तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं, विकास कुछ नहीं करा, महंगाई जहाँ से तहाँ बढ़ा रहे हैं। हाँ। उससे गरीब जनता मर रहा है। हाँ, गरीब मर रहे हैं जी, मर रहे हैं, भागे नहीं। और अब तो कह रहे जो 5 खजूर आसन देकर हम दिला रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। सरसों तेल आए, हाँ बोलिए ना, बोला ना, बताइए, बोलिए ना, बोलिए हर महीना आवाज आएगा, सारा वोट हमारा है, झूठ बोल रहा है का। शिक्षा को तो सबसे पहले दबा के रख दीजिए मोदी गवर्नमेंट में। हाँ। सबसे पहले शिक्षा को दबा के रख दीजिए। अगर मान लीजिए किसी चीज को हमको एक साल में अगर उसकी क्या कहते हैं अच्छा देखना चाहिए तो आप फसल लगा दीजिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10 साल में उसका कुछ अच्छा देखना चाहिए तो पेड़ लगा दीजिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100 साल तक किसी चीज का अच्छा देखना चाहिए तो आप शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए। अगले आने वाले 100 साल तक भी इसकी शिक्षित रहेगा तो हक के लिए कभी वो लड़ लेगा, भूखे नहीं मरेगा। अब तो भैया बने का भैया कहा हाल है, क्या नाम है आपका? कैसे सर? बीजेपी वाला से बच के रहिएगा, कुछ वो कर सकता है लोग, डर लगता है, डर ना है। 35 पंचायत में 35 को विधायक को डर नहीं है मुकेश सहनी से, तो 35 पंचायत में 35 को विधायक कहे उतार रहा है, बाहर को विधायक लाया प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए उसको डर है जो हमारा यहाँ पत्ता साफ होने वाला। अरे भैया मुकेश सहनी तो प्रचार कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं तो उनको साथ अनर्थ हुआ है, प्रचार नहीं करते, प्रचार नहीं करते तब तो उनको ऐसी वोट, उनका जनता उनको ऐसी साथ है, ऐसी साथ है, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर देगा तब प्रचार नहीं करेंगे तो गांव समाज उनका। एक बात बताइए, जो आरजेडी वाले जो अमर पासवान को जो टिकट दिए हैं, तो ये जो आरजेडी वाले हैं, शुरुआत श्री गणेश अमर पासवान ने किया, ये आरजेडी में भागे बिहान भैया जो था 3 को वो भाग गया। अच्छा, उनको तो आरजेडी के वोटरों से क्या कहेंगे? आरजेडी वाला वोटर उनको अच्छा जहाँ बुझाया है तहाँ गए हैं। अच्छा, इधर कुर्सी लड़खड़ा रहा था उधर चले गए, तो इधर पार्टी लड़खड़ा रहा था 3 को चला गया उधर, वही ना पार्टी लड़खड़ा गया। इस सब अजय निषाद किया है, जो इस सब अजय निषाद का किया, अजय निषाद का सारा भाज भजल है, जाने मला के दूरी पर, मला के दूरा पर अजय निषाद जाके वोट मांग के दिखावे ना, का हो जाएगा बीजेपी वाले के का हो जाएगा मारने के लिए। हिंसा ना, नहीं।